तुम्हें ट्रेन की और मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही हो? अरे गीता, मैं क्या बोलेगी? अरे मेरी मैडम का खुद का ही कुछ ठिकाना नहीं रहता, पूरा दिन वो मचमच मचमच करती रहती है। हाँ भाई, अब तो फोन रख। मैम, सेकंड फ्लोर। शिंदे, बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। ओ मैडम। पीछे हो जाओ। मांगे मांगे। कामले, जिसने इन्फॉर्म किया उसका स्टेटमेंट ले लो, घर की तलाशी ले लो। पच्चीस छब्बीस साल की लगती है मैम। बॉडी को देख के लगता है मर्डर हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, रस्से जैसे किसी चीज से गला घोटा गया। मुकुल, हर एक चीज को बारीकी से देखो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, हो सकता है कोई क्लू मिले। यस मैम। मुकुल। यस मैम। मैम, फोर्स्ड एंट्री का कोई भी निशान नहीं है। एग्जैक्टली, इसका मतलब कोई पहचान वाला या फिर करीबी दोस्त आया होगा जिसके लिए उसने खुद दरवाजा खोला हो। मुकुल, इसे एविडेंस बैग में रखो। ये क्या है मैम? फिलहाल रख दो, शायद काम आ जाए। मैम, ये काम वाली भाई है, इसी ने सबसे पहले बॉडी को देखा था। नाम क्या है? नंदा। कब से काम कर रही हो यहाँ पे? अभी 7-8 महीने पहले से ही कर रही थी। इनका क्या नाम है? ये जूली मैडम है। और कौन कौन रहता है इनके साथ यहाँ? अकेले ही रहती है। और क्या जानते हो इनके बारे में? खास कुछ नहीं मैडम, रात को लेट आती थी और सुबह भी देर तक सोती थी, तो चाबी मुझे दे के रखा था। काम क्या करती है? काम क्या करती थी पता नहीं, वो कुछ डांस वांस का काम करती थी। कहाँ? मैम, बाजू वाले ने बताया कि सीमा अरोही डांस एकेडमी में डांस भी करती थी और कोरियोग्राफी भी। मैडम, ये मोबाइल मिला है। मुकुल, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। यस मैम। 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8 Done. चलो करते हैं म्यूजिक। म्यूजिक। ए, म्यूजिक बंद कर। क्या हुआ सर? ज्वेलरी सुजा को जानते हो? यस सर। रोज आती थी वो यहाँ? हाँ सर, डेली आती है। क्यों सर, क्या हुआ? मर्डर। आज सुबह उसके फ्लैट में उसकी बॉडी मिली। वो आखिरी बार कब आई थी यहाँ? कल सर। कल वो सर के साथ डांस कर रही थी। कौन सर? ललित सर। तभी उनकी वाइफ आई। शर्म नहीं आती? मैंने ही तुम्हें ट्रेन की और मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही हो? कामड़े। हो साहब। सीमा और ललित के घर का एड्रेस और नंबर नोट डाउन करो। हो साहब।
सच में पुलिस हो? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? टीना, माय डॉटर। हेलो सीमा जी, आपके डांस शोज देखे हैं मैंने। थैंक्स। कहिए कैसे आना हुआ? एक्चुअली केस के बारे में बात करनी थी। आपके अकेडमी की डांसर जूली का आज सुबह मर्डर हो गया है। जूली का कब कैसे, आई मीन किसी ने बताया भी नहीं फोन करके सुबह से। आप कैसे जानते हैं जूली को? मेरी स्टूडेंट है वो, अच्छा डांस करती थी। आपके पति कहाँ हैं? हमें उनसे भी बात करनी है। वो तो सुबह ही दिल्ली गए। नेक्स्ट वीक एक बड़ा इवेंट है तो उसी के सिलसिले में एक मीटिंग है। ये लोग कौन है? ये मेरे भाई प्रशांत और ये उनकी बीवी अनु। ये भी मेरे डांस एकेडमी में काम करते हैं। एक बात बताइए, जूली के साथ कोई अनबन हुई थी आपकी? नहीं तो? तो कल डांस एकेडमी में जाके उसे थप्पड़ क्यों मारा था? एक्चुअली मुझे एकेडमी से एक कॉल आया था, पता नहीं कौन था। हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो। और आपने सीधा जाकर उसे थप्पड़ मारा? गुस्से में थी मैं, बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया। उसके बाद तुरंत वापस आ गई मैं घर। फिर उससे मिलने उसके घर गई थी? नहीं, उसके बाद मेरी और उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। आपके पति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया घर आने के बाद? और दूसरे दिन सुबह दिल्ली चले गए? आपके पति अकेले गए हैं या उनके साथ और भी कोई गए हैं? मेरे ख्याल से अकेले ही गए हैं। बाकी की डिटेल्स नरेंद्र को पता होंगी, वो मैनेजर है। नरेंद्र का नंबर ले लो। यशो, हम ललित से बात कर ही लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके मैडम। मैम ललित का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। मैम ये जो सीमा है वो डांस अकेडमी में आती है और जूली को थप्पड़ मारकर चली जाती है। घर पर बवाल होना चाहिए था और ये ललित मीटिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। इस ललित के बारे में सारे डिटेल्स पता करो। एक काम करो, मैनेजर नरेंद्र को पुलिस स्टेशन बुलाओ, तब तक जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। नरेंद्र से पता करो ललित कब वापस आ रहा है। यस मैम। पुलिस घर आई थी। मैम, जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका खून रात को 10 से 12 के बीच में हुआ था और जैसे आपने कहा था, मौत गला घोट के ही हुई है। 10 से 12 के बीच? ललित एयरपोर्ट के लिए निकला था अगले ही दिन सुबह 7 बजे। ललित के बारे में कोई खबर? नहीं मैम, उसके मैनेजर नरेंद्र से मेरी बात हुई, उसने भी ललित के दिल्ली के मीटिंग के बारे में कंफर्म किया है। वैसे ललित को कल शाम तक वापस आना चाहिए था, पर कल से अब तक उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो और आज वो मुंबई के लिए लौट रहा हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी ने जूली को मारा हो और गायब हो गया हो। नहीं मैम, लेकिन वो क्यों जूली को मारेगा? जब तक ललित से बात नहीं होती कुछ भी कहना मुश्किल है। मैम मैं नरेंद्र पंचवानी, सिमर डांस अकेडमी का मैनेजर। कल आपकी बात मेरे से हुई थी। ललित कब वापस आ रहे हैं? ललित सर कल शाम को वापस आने वाले थे पर अभी तक आए नहीं, और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। फोन तो कल से स्विच ऑफ आ रहा है, हम भी ट्राई कर रहे हैं। ललित कभी भी ऐसे नहीं करते, पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है। वो अपनी कार लेके एयरपोर्ट गए थे, बोला था कि उधर ही कार पार्क करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और हमें भी उनकी चिंता हो रही है।
मैम वो हमें मिसिंग की कंप्लेंट लिखवानी थी। ठीक है, आप लोग मिसिंग कंप्लेंट लिखवाओ और अगर आप में से किसी को भी ललित का फोन आता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी चलो। मुकुल। यस मैम। कहीं ऐसा तो नहीं कि ललित कल रात ही वापस आया हो और कहीं छुपकर बैठा हो? इस केस की बहुत सी परतें निकलने वाली हैं। ललित का फोन सर्विलियंस पे डाल दो। यस मैम। जूली का मर्डर और ललित के मिसिंग केस का कनेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है। ललित की फोटो सारे लोकल पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स अर्जेंट बेसिस पे मंगाओ। एयरपोर्ट अथॉरिटी से ललित के बोर्डिंग के बारे में डिटेल्स पता करो, चेक करो उसने कौन से फ्लाइट से और कितने बजे बोर्ड किया, और एयरपोर्ट के पार्किंग में उसकी कार चेक करो। जूली की लाश के पास हमें जो ब्रांड का टुकड़ा मिला था, पता करो कि वो किस कंपनी का ब्रांड है और किस प्रोडक्ट का हिस्सा है। ललित के कलीग, यार, दोस्त, रिश्तेदार सबको खंगालो, पता करो कि उसने किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं। मैडम एयरपोर्ट से कंफर्म हुआ है, ललित ना एयरपोर्ट आया ना वो दिल्ली गया, और उसकी कार भी एयरपोर्ट पार्किंग में नहीं मिली, और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जूली के मर्डर से ठीक 2 घंटे पहले मतलब 8 बजे उसने आखिरी बार जूली को कॉल किया था। और ये सीमा का जो भाई है प्रशांत, उससे मैंने बात की तो फैमिली की एक नई पिक्चर सामने आई मैम। ठीक है, इस प्रशांत को थाने बुला। यस मैम। मैम ये एकेडमी, ये बिजनेस मेरी बहन सीमा ने ही खड़ा किया है। फिर ललित ने एकेडमी ज्वाइन की और वो धीरे धीरे मेरी बहन के करीब आने लगा, और फिर उसने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी बहन को सौंप कर ललित डांस एकेडमी और पूरा बिजनेस संभालने लगा। एक तरह से कब्जा कर लिया उसने। बस उस दिन के बाद से आए दिन उन दोनों के बीच में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। 2-4 चेक पर ज्यादा साइन कर दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। एक एक पेमेंट के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं मुझे। पेमेंट्स याद है, लेकिन बेटी का कल बर्थडे है ये याद नहीं तुम्हें? क्या अरेंजमेंट्स किए, कुछ पूछा तुमने? बेटी के बर्थडे पार्टी में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? तुम्हें तो दूसरी पार्टीज करनी होती है ना। ललित मैं ना तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ, जिस दिन तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी दे दू ना उस दिन मुझे और टीना को ऐसे कचरे की तरह बाहर फेंक दोगे तुम, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए और लाइफ में एक ही तो इंटरेस्ट है तुम्हारा, जूली। सारा पैसा उस पे लुटा दोगे। आई कांट ट्रस्ट यू एट ऑल। तुम्हारे जैसी शकी औरत को भरोसा दिलाना इम्पॉसिबल है। तुम्हारे सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है कि मैं अपने रिहर्सल्स पे ध्यान दूं। ललित और जूली के बीच वाकई कुछ था या वो सिर्फ सीमा का वहम था? ये तो मुझे नहीं पता मैम। हाँ पर ललित एक भरोसेमंद इंसान नहीं है। मेरी बहन ने उससे शादी करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस दिन से शादी हुई है एक दिन भी खुश नहीं रही है वो। खुश तो तुम भी नहीं लग रहे हो, क्योंकि अगर ललित नहीं होता तो सीमा का बिजनेस तुम संभाल रहे होते। क्यों? ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैं तो ऑलरेडी उनकी हेल्प कर रहा था उनके बिजनेस में। जाओ। वो ना हो ये केस कहीं इस फैमिली के बिजनेस से जुड़ा है। मुकुल। यस मैम। सीमा और ललित दोनों के बिजनेस अकाउंट और पर्सनल बैंक अकाउंट दोनों के डिटेल्स चेक करो। यस मैम। कावली। यस मैम। प्रशांत और नरेंद्र दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, इन दोनों को क्लीन नहीं छोड़ सकते। यस मैम। क्या पूछा पुलिस ने? जो सच है वही बोलूंगा ना। क्यों? ये नहीं बताया कि उस दिन तुमने ही कॉल किया था सीमा को डांस एकेडमी आने के लिए? मैंने कोई फोन नहीं किया था।
यस, आ रही हूँ। क्या बात है, अच्छी लग रही हो। किसी से मिलने जा रही हो क्या? पुरानी बातें भूल जाओ नरेंद्र, और ये सोचो अगर ललित वापस नहीं आया तो अगले हफ्ते के शो का क्या होगा। हेलो नरेंद्र अंकल, डैडी कब आएंगे? उनको बोलना कि मेरी लॉलीपॉप्स खत्म हो गई है। तुम पहले अपना होमवर्क फिनिश करो, फिर मिलेंगे लॉलीपॉप्स। गो। ओके मम्मा। बस निकल रही हूँ, कोई आ गया था। आ रही हूँ। अनु, रोज रोज आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है। पाइजे पाइजे पाइजे, वरना मैं दादू के घर नहीं रहूंगी संडे को। अनु बेटा, तुम्हारे मम्मी ना रिश्वत लेती है ना रिश्वत देती है। अपनी बात मनवाने के लिए शर्त रखना अच्छी बात नहीं है। अब जैसे आज तुम्हारे पापा नहीं आ पाए तो मैं आ गई, लेकिन तुम्हारे साथ आने के लिए मैंने पापा के सामने कोई शर्त तो नहीं रखी ना। सॉरी मम्मा। दैट्स लाइक माय गर्ल। हाँ मुकुल। जय हिंद मैम। मैम, ललित की कार एक सुनसान जगह पर मिली है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैम। एक तो उसी ने वहां पर कार छोड़ी और वहां से भागा, या फिर उसके साथ भी कोई बुरा हादसा हुआ है। मैम, फॉरेंसिक में कार भेज दी गई है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से कार पर क्राइम का कोई भी साइन नहीं है। मुकुल, इस जूली मर्डर केस के मुझे दो एंगल नजर आ रहे हैं। एक तो ललित ने खुद मर्डर किया हो और वो गायब हो गया हो, और दूसरा उस दिन के हादसे के बाद जूली ने ललित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शायद उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे जानकर सीमा ललित से अपना रिश्ता तोड़ देती और ललित को बिजनेस छोड़ना पड़ता, या फिर कहीं सीमा ने तो जूली का मर्डर नहीं किया या करवाया और गुस्से में आके उसने ललित की भी जान ले ली। यह डबल मर्डर केस तो नहीं? यह नरेंद्र और प्रशांत भी कुछ कम नहीं लगते मैडम। और नरेंद्र और सीमा, इन दोनों के बीच काफी क्लोज रिलेशन दिखाई देता है। लेकिन सीमा जैसी औरत एक मैनेजर को अपने पति की जगह क्यों देगी? पर ये काम नरेंद्र अकेला भी तो कर सकता है, क्योंकि उस दिन सीमा को डांस एकेडमी के लैंडलाइन से ही फोन आया था ना। शक की सुई तो इस परिवार के सारे सदस्य और उनसे जुड़े सारे लोगों की तरफ जाती है, लेकिन अगर ये डबल मर्डर केस है तो कातिल के पास जूली और ललित दोनों को मारने के लिए कोई ना कोई तो मकसद होना चाहिए, या फिर ये दोनों अलग केसेस हैं और क्राइम करने वाले दो अलग लोग हैं। जूली के मर्डर स्पॉट से जो चीज मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ कामरे बोला। क्या 25 लाख? आपकी कंपनी के करंट अकाउंट से 25 लाख निकाले गए हैं। क्यों? देखिए, हमसे कुछ मत छुपाइए। मुझे एक लेटर आया था फिरौती के लिए। पच्चीस लाख का इंतजाम करो और पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे पति की जान जा सकती है। ऐसे कि बैग सावंतवाड़ी के जंगल के बोर्ड के नीचे छोड़ देना। बहुत डर गई थी क्योंकि ललित की जान खतरे में थी। क्या मैं वो लेटर देख सकती हूँ? ये जो भी कोई है हमारे साथ गेम खेलने के मूड में लगता है। अगर ललित का सच में किडनैपिंग हुआ है
तो उसका जूली के मर्डर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? एक काम करो मुकुल, कामले को लेकर उस लोकेशन पे जाओ जहां सीमा ने अपना बैग ड्रॉप किया था, शायद कोई लीड मिल जाए। यस मैम। इस वीराने में तो कुछ भी मिलना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जहां से वो आया है वहां पर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मतलब कामले, ये रोड देखो, बिल्कुल सीधी है, कोई भी टर्न नहीं है। इसके एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स चेक करते हैं। चला। ठीक 4:32 पर ये बाइक इस रोड पर एंटर करती है, ये दिखे मैम, और फिर 4:37 पर ये बाइक वापस चली जाती है, और इस टाइम इसके पास एक बैग भी है। कौन हो सकता है? नंबर प्लेट पर जूम करो। नंबर प्लेट पे मिट्टी लगाकर जानबूझकर छुपाया गया है। सीमा को बुला। यस मैम। ये मेरा ही बैग है। मैडम, हो सकता है कि सीमा और नरेंद्र ने मिलके किडनैपिंग का नाटक किया हो, ताकि हम ये मान लें कि ललित की किडनैपिंग हुई है। एक ने बैग रखा, दूसरे ने उठा लिया। अगर ऐसा होता तो सीमा वो फिरौती वाली चिट्ठी हमसे छुपाती नहीं, बल्कि खुद दिखाने लेकर आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे प्रशांत और अनु हो? पर मैम, ललित का गायब होना और जूली का मरना, ये दोनों भी केसेस अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ललित के गायब हो जाने से प्रशांत को जरूर फायदा है, लेकिन जूली को मारने में उसका क्या फायदा हो सकता है? पता नहीं मैम, मैं बाहर थी। इस काम के लिए रखा गया है ना, वो ईमानदारी से करो, समझे? मैम, और एक लेटर। एक और 25 लाख। इस लेटर से एक बात तो क्लियर हो गई है कि टीना और ललित दोनों का किडनैपर एक ही है। चाहे जो भी हो, हमें उसे ढूंढकर निकालना ही होगा। क्या ढूंढ रहे हैं और कब से ढूंढ रहे हैं? अरे कर के लिया है आप लोगों ने। एक तो मेरा पति गायब हुआ है, मेरी बेटी, मुझे आप लोगों पर भरोसा ही नहीं रहा। प्लीज, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, निकल जाइए। देखिए मैम, आपको हमें कोऑपरेट करना होगा। सुना नहीं आपने? बाहर निकलिए और वो लेटर वापस कीजिए, वापस करिए। क्या लगता है मैडम, ये अचानक इतनी भड़क क्यों गई? इसकी बच्ची किडनैप हुई इसलिए ये परेशान है, या कोई और ही वजह लग रही है मैम? जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं। सीमा की सच्चाई तो हमें पता चली जाएगी, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि अगर जूली का किलर ही किडनैपर है तो वो रैंसम क्यों मांग रहा है? और क्या ललित जिंदा है? और टीना कहाँ है? ललित और टीना एक साथ तो नहीं? पापा, पापा,
काम ले। रेडी? हाँ मैडम, मैं रेडी हूँ। मैं पहुंच गई हूँ, अब क्या करना है? एक बाइक आ रही है यहां से। मैम वो तो निकल गया। वेट करते हैं, शायद ये गलत आदमी हो। ओके मैम। खुल बेटा, कोशिश कर बेटा, खुल जाएगा। तीनों तुम टेंशन मत लो, पापा है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बस ही खुल दो टीना जल्दी। मैं मैं किडनैप पर आ क्यों नहीं रहा है? हो सकता है उसे पता चल गया हो कि हम लोग उस पर नजर रखे हुए। तामे, बैग उठा लो, हम लोग वापस जा रहे हैं। सर, सर लिफ्ट 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 आगे तक। हाँ हाँ, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। मैम, हाईवे पेट्रोलिंग मैन को एक बाप बेटे की जोड़ी दिखी है, हमने ललित की जो फोटो सर्कुलेट की थी उसकी शक्ल उससे ही मिलती है। सीमा को इन्फॉर्म करो। चलो डू यू हैव मैम, मैं एयरपोर्ट के लिए निकला ही था कि रास्ते पर एक आदमी और एक औरत ने गाड़ी में लिफ्ट मांगी। वो गाड़ी में चढ़े और अगले ही पल पता नहीं उन्होंने क्या किया, मैं बेहोश हो गया था और आग खुली तो किसी अनजान जगह पर हाथ पैर बंधे हुए थे मेरे, और जब दूसरी बार आग खुली तो टीना भी वहीं दिखी मुझे। और कोई था वहां? और कोई कभी दिखाई नहीं दिया, हाँ लेकिन आवाजें आया करती थी। कैसी आवाज? जैसे कोई फोन पे बात कर रहा हो। हमें उस जगह ले जा सकते हो? जी। ललित? प्रशांत मामा। सीमा नहीं आई? मैम सीमा का फोन ऑफ लग रहा था, इसलिए मैंने इसको इन्फॉर्म किया। चलो रीटा, बच्चों का ख्याल रखना। मैम यही वो जगह है। मुगल काम ले, चेक करो। सॉरी, इट्स ओके। इस तरफ का लोगो कहाँ है? कहीं गिर गया होगा मैम। क्यों? क्योंकि वो गिरा हुआ लोगो
जूली की लाश के पास मिला था और अब वो हमारे पास है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्रशांत। जूली का मर्डर करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते। अरे लेकिन मैंने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मैं मेरी बात सुनिए ग्यायला। अरे मेरी बात तो सुनो। पापा मम्मी कब आएगी? बेटा मम्मी को ही फोन लगा रहा हूँ, बस अभी आती होंगी। जीजू मैं सच कह रही हूँ, प्रशांत ने कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप पुलिस से बात करिए ना कि वो प्रशांत को छोड़ दे। तुम्हें प्रशांत की पड़ी हुई है जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। हमें सीमा को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब समझती हो तुम? पता नहीं शायद सीमा के साथ भी कुछ। मैम मैं प्रशांत का मुंह बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन वो एक ही बात की रट लगा के बैठा है। मैंने कुछ नहीं किया मैम। यस अभी अभी ललित का फोन आया था, सीमा अब तक घर नहीं लौटी है। मैंने चेक किया तो मुझे पता चला वो रैंसम के पैसे रखने गई थी, तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मैम कहिए सीमा भी तो शामिल थी इस प्लान में? या फिर किडनैपर ने जानबूझ के हमारा फोकस रैंसम स्पॉट पे डाइवर्ट किया, जो पैसे लेने के लिए वो आने ही नहीं वाला था। मैम ऐसा भी हो सकता है कि सीमा वहां जाने का सिर्फ नाटक कर रही हो और जब उसे पता चला कि उसके और उसके साथी की पोल खुल जाएगी तब वो गायब हो गई। कौन साथी? नरेंद्र? पता करो क्या ये नरेंद्र भी गायब हुआ है, और अगर सीमा इस प्लान में शामिल है तो उससे रिलेटेड हर चीज की जानकारी इकट्ठा करो। चल बोल कहाँ है सीमा? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता सच में कि सीमा कहाँ है। और उस रूट को भी खंगालो जहां से लौटकर सीमा को घर जाना था। मैम सीमा के गायब होने से एक घंटे पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। किसका? श्रीकांत शिर्के नाम का कोई आदमी है। मैंने दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उनके चैट पढ़ के ऐसा लगता है दोनों के बीच कुछ खास दोस्ती है, हो सकता है रिलेशनशिप भी हो। श्रीकांत शिर्के काफी गहरी दोस्ती है तुम्हारी सीमा आरोही के साथ, राइट? हम स्कूल में क्लासमेट्स थे मैडम, बचपन की बात है, अब तो हमारी बात भी नहीं होती। आखिरी रीयूनियन पार्टी पर मिले थे बस। अच्छा कैसी हो स्वीट हार्ट? इतना परेशान हो गई हो तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? पिछले 6 महीने से ये चैट चल रहा था। चैटिंग तो दूर, मैंने कभी बात भी नहीं की सीमा से। ये मेरा अकाउंट नहीं है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये है मेरा अकाउंट। ठीक है मुगुल दोनों अकाउंट चेक करो, पता करो सच क्या है। यस मैम। बेटा आपको लॉलीपॉप बहुत पसंद है? हाँ। आपको पता है ज्यादा लॉलीपॉप खाने से दांत खराब हो जाते हैं? पर ये मेरा फेवरेट है, पापा मुझे ये दिला कर देते हैं। अच्छा आपको पता है मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही इज द बेस्ट पापा। कोई मुझे उठा ले गया था। अच्छा आपने देखा था कौन थे वो? नहीं पर जब मैं उठी तो पापा मेरे पास थे और उन्होंने लॉलीपॉप दिया और मुझे बचा लिया। थैंक्स। हेलो क्या सीमा? सीमा सीमा जब तक सीमा जिंदा थी एक बार भी प्यार से बात नहीं की इसने, हर बार चेक पे साइन करवाने आ जाता था। नौटंकी
मिस्टर ललित, कल आपकी बीवी की मौत हो गई और आज आप सजदेश के बाहर निकले हैं। बीवी के मौत का जरा सा भी गम नहीं है। प्लान क्या है? मैम, आपने हमारे बिजनेस की एक बात तो सुनी होगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। सही कहा, शो मस्ट गो ऑन। अब तो सिर्फ टीना बची है और वो तुम्हें अपना हीरो मानती है क्योंकि तुमने उसे किडनैपर से बचाया था और उसे लॉलीपॉप खिलाया था। क्यों मैम? मैम 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 ये स्टिक्स याद है? ये लॉलीपॉप के स्टिक्स हमें किडनैपिंग के साइट पे मिले थे। मैम आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम्हारे बेटे ने हमें पहले ही सब बता दिया था कि उसने किसी भी किडनैपर को नहीं देखा, उसने देखा तो सिर्फ तुम्हें। मैं जब ना उठी तो पापा मेरे पास थे और उन्होंने लॉलीपॉप दिया। अगर तुम खुद किडनैप हुए थे तो तुम्हारे पास लॉलीपॉप कहां से आए? अब तक जो भी कुछ हुआ है उसका फायदा सिर्फ एक ही इंसान को होता है और वो तुम हो। सीमा का बिजनेस तुम्हारा हो गया, तुम्हारे रास्ते का काटा प्रशांत सलाखों के पीछे है और उस पर जूली के मर्डर का चार्ज भी है। तुमने सबको अपने रास्ते से हटा दिया, यहां तक कि श्रीकांत के बारे में भी हमसे झूठ बोला जबकि उसकी सीमा के साथ कभी कोई चैट हुई ही नहीं थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट के सर्फिंग डिटेल्स हमारे पास है। तुमने बहुत ही स्मार्टली पब्लिक वाईफाई यूज करके नए फोन से चैटिंग की और फोन क्राइम के सीन पर ही स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन चैटिंग करते वक्त तुम अपना फोन स्विच ऑफ करना भूल गए। सो तुमने जहां जहां ट्रैवल किया है उन सारे लोकेशन की डिटेल्स हमारे पास है। थक चुका था मैं सीमा से, 7 सालों से बिजनेस मैं संभाल रहा था लेकिन सब कुछ सीमा के नाम था और तभी मैंने सोचा कि मुझे सीमा से छुटकारा पाना ही होगा और तब मैंने श्रीकांत की फेक आईडी बनाई और उसे फंसाया। और ये भी देखा कि अगर जूली और मेरे बारे में सीमा को पता चल जाता है तो वो किस हद तक जा सकती थी, लेकिन श्रीकांत और सीमा की बातचीत से मुझे ये पता चला कि सीमा तो मुझे डिवोर्स देने वाली थी। और तब मैंने खुद के किडनैपिंग का प्लान बनाया जूली के साथ मिलकर। उसने मेरी किडनैपिंग में मेरी मदद की लेकिन बाद में हैंड टाइम पे वो पलट गई। किडनैपिंग तक तो ठीक है लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अब मैं बहुत डर गया था कि अगर जूली ने सीमा को जाके सब कुछ सच सच बता दिया तो, और तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने जानबूझकर फिर प्रशांत को फंसाया। मुझे लगा तुम सब प्रशांत तक पहुंच जाओगे और उसके बाद टीना को किडनैप कर लिया। सीमा को कब मारा? जब वो दूसरी बार रैंसम का बैग रखकर वापस जा रही थी। टीना कहाँ थी उस वक्त? मैं टीना के लॉलीपॉप्स में उसे सिडेटिव मिलाकर देता रहा जिसे खाकर वो लंबे समय तक बेहोश रहती थी। पापा, टीना! और उसके बीच में अपने सारे काम कर लेता, श्रीकांत की फेक प्रोफाइल से सीमा के साथ बात करके ये पता करता रहता कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। अच्छे पति तो तुम थे ही नहीं लेकिन अच्छे बाप भी नहीं बन पाए। तामे। हो मैडम। फाइल लौकर लौकर साहिबानकडे पाठव। हो मैडम। रिश्ते हथेली पर रेत की तरह होते हैं, उन्हें सहज ना होता है। मुट्ठी बंद कर उन पर काबू पाने की कोशिश की तो रिश्ते भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। सीमा ने भी यही गलती की, ललित पे भरोसा नहीं किया, मुट्ठी बंद कर ली। ललित तो था ही खुदगर्ज, रिश्तों की रेत को वो बैंक अकाउंट के दौलत की तरह देखता था। नतीजा, एक ने अपनी जान गंवा दी
और दूसरा सलाखों के पीछे। लेकिन पति पत्नी के इस लड़ाई की सबसे बड़ी सजा अगर किसे मिली होगी तो वो उनकी बेटी टीना को। बेचारी पूरी जिंदगी चाहकर भी किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पाएगी। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।